यशोधरा नगर थाना अंतर्गत विनोबा भावे नगर इलाके में एक विवाहित महिला पर हुए एसिड हमले से परिसर में हड़कंप मच गया था। आखिरकार पुलिस ने इस मामले का खुलासा करते हुए इस मामले में लिप्त एक महिला को उसकी नाबालिग साथी के साथ गिरफ्तार किया है। नागपुर शहर में एक बार फिर एसिड हमले से पूरा परिसर दहल उठा है। जी हाँ, कुंदनलाल गुप्ता नगर से विनोबा भावे नगर के बीच हुई इस घटना से पूरे परिसर में हड़कंप मच गया है। आला पुलिस अधिकारी भी दल बल के साथ मौके पर पहुंचे। बताया जाता है कि अनैतिक संबंध को लेकर एक महिला ने अपनी साथी नाबालिग महिला के साथ मिलकर दूसरी महिला पर हमला बोल दिया। कल सुबह 8:30 बजे की एक घटना है, उसके हिसाब से 12 बजे अंदाजे पुलिस स्टेशन यशोधरा नगर में खबर आई थी, डायल 112 के थ्रू भी आई थी और हॉस्पिटल से भी आई थी कि एक महिला और उनका जो छोटा बच्चा है उनके ऊपर दो अनजान लोगों ने गाड़ी पे जाते जाते एसिड जैसा कोई पदार्थ उनके चेहरे पे डाला है, फेंका है करके। उनकी तकरार के हिसाब से यशोधरा नगर पुलिस स्टेशन में गुनाह भी दर्ज हुआ है और जिस तरीके से खबर मिली उस प्रकार पुलिस स्टेशन यशोधरा नगर की टीम और उसी के साथ साथ क्राइम ब्रांच की टीम सर और वरिष्ठ अधिकारी जो DCP क्राइम ब्रांच हैं, DCP जोन 5 हैं, वो सक्रिय होकर पूरा अलग अलग सस्पेक्ट्स को विचार पूछ करके इस गुनाह को डिटेक्ट किया गया है। और फिलहाल मैं आप सबको यही बता सकता हूँ कि इस इन्वेस्टिगेशन में एक महिला आरोपी अरेस्ट है और उनको कोर्ट के सामने प्रोड्यूस किया जाएगा। फिलहाल घायल महिला व उसका बेटा खतरे से बाहर बताया जा रहा है। दबे ओट ये भी चर्चा है कि उस आरोपी महिला ने पहले पीड़ित महिला को फोन कर बताया कि तुम्हारे पति के अवैध संबंधों के बारे में तुम्हें बताना है, इसलिए तुम कुंदनलाल गुप्ता नगर में आओ, जिससे लता वंश को साथ लेकर उस महिला से मिलने पहुंच गई। इस दौरान दो दुपहिया वाहनों पर महिलाएं आई। उनका कहना था कि तुम्हारे यानी कि लता के पति ने उसके साथ गलत कृत्य किया है और इसी बात को लेकर दोनों में बाचाबाची शुरू हो गई। तभी मौका देखकर नकाबधारी महिला ने लता और उसके बेटे पर एसिड फेंक दिया। संयोग से लता बाल बाल बच गई, हालांकि मामूली रूप से उसका हाथ जख्मी बताया जा रहा है। फिलहाल इस मामले में और खुलासे होने की पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। NBC न्यूज के लिए कैमरा पर्सन अखिलेश भरद्वाज के साथ रूपा पंडित की रिपोर्ट।